हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मोबाइल से लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या मोबाइल से कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर मोबाइल से कोई भी किसी तरह का वीडियो आप बनाना चाहते हैं, तो डी रिकॉर्डर एक सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करके वीडियोस बना सकते हो, है ना। चाहे आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो या फिर मोबाइल पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना हो उस तरह का वीडियो बना सकते हो, तो हर तरह की वीडियो आप डी रिकॉर्डर से बना सकते हो। डी रिकॉर्डर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत सिंपल ऐप है, ठीक है। मतलब आप विद इन 1 आवर 2 आवर पूरा सीख जाएंगे। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में डी रिकॉर्डर के बारे में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे डी रिकॉर्डर का साइन है, ये डी रिकॉर्डर मैंने स्टार्ट कर लिया। जैसे ही आपने डी रिकॉर्डर स्टार्ट किया है यहाँ पे खुल गया है, या फिर ये इस तरह से पूरा खुल जाता है, ठीक है। अब खुल गया यहाँ पे, अब रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहले से चल रहा था, आप खोलेंगे इस पर, ये क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे आप, तीन ऑप्शन है, ठीक है। एक तो आपका पॉज का ऑप्शन है, एक स्टॉप का ऑप्शन है, और ये जो बाकी हैं उनको मैं आपको आपको बताऊँगा। तो देखते हैं भैया आगे। अब हम ये अब हमने खोल रखा है, सबसे पहला ये, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या शो करता है, ये आपका शो करता है पहला जो आपने फाइल रिकॉर्ड की है डी रिकॉर्डर से, ये लाइब्रेरी है उसका, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा है इमेज का, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इमेज की एडिटिंग के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यदि मुझे इसको शेयर करना है तो ये शेयर का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ठीक है। डिलीट करना है तो यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन देख रहे हैं। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे एडिटिंग करनी है, तो मैंने ये दो इमेज सेलेक्ट कर लिया, और इमेज की हम स्टिचिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग का मतलब इमेज को हम सिल सकते हैं एक तरह से। कैसे सिल सकते हैं, देखिए ये दो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी, ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ से कटिंग करना है, ये मैंने ये सिलेक्ट किया और ये इतना पोर्शन मान लो कटिंग करना है, तो ये कटिंग हो गया, ठीक है। और आप फर्दर इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये स्टिचिंग का होता है, तो अभी सेव नहीं करना है तो मैं इसको बाहर निकल जाता हूँ ना, कन्फर्म। इसके बाद ये ऑप्शन है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। इसमें एक ऑप्शन है एडिट वीडियो का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई वीडियो ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसमें एडिटिंग करना है, एडिटिंग का इसमें क्या है, ट्रिम करने का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपकी वॉइस कहीं ब्रेक हो रही है या फिर आपको कोई पोर्शन हटाना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उस टाइम से, ये मैंने ये दो कर्जर है, सॉरी ये कर्जर है, यहाँ से आप लेके आएंगे। अब जैसे मुझे बीच का पोर्शन रिमूव करना है तो हम ये क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये बीच का पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए मुझे पहला 5 सेकंड वाला पोर्शन रिमूव करना है, ठीक है, पहला 5 सेकंड का पोर्शन रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रिम पे गया और ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो पहला पाँच क्वांटिटी है, पहली जो 5 सेकंड थी वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं इसमें, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, देखिए ट्रिम हो गया, क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का मतलब आप इस वीडियो की जो साइज, जो स्क्रीन की साइज़ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ऊपर से इस तरह से, ठीक है। इसमें रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो 1:1 का रखना है, 4:3 का रखना है, 3:4 है आपका, 16:9 है। ये जनरली ज़्यादातर अपलोडिंग जो करते हैं तो हम ये वाला रेशियो यूज़ करते हैं अपलोडिंग में यूट्यूब, ठीक है। ये जैसे वर्टिकल रखना है तो ये आप ये भी कर सकते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये ऐड म्यूजिक। जैसे आपको इस वीडियो में कोई म्यूजिक ऐड करना है तो मैं म्यूजिक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। या प्लस के सिंबल पर जाएंगे और प्लस के सिंबल पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोई म्यूजिक, जैसे ये लग जाएगी, ये ऐड हो जाएगा। ये प्लस का साइन सिंबल पर जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। और भी इसमें आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ऐड म्यूजिक सबटाइटल, जैसे आपको उसमें सबटाइटल ऐड करना है तो आप यहाँ पे कुछ नोट कर सकते, लिख सकते, जैसे इंडिया मान लो ऐड करना है मुझे सबटाइटल या कुछ भी, तो आपने ऐड कर दिया। प्लस यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप उसका वो कर सकते हैं कलर, ठीक है। तो आप ये टाइटल ऐड करके यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं वीडियो, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। और ये जैसे मान लो पूरे सारे पेजेस में करना है तो आप इसको यहाँ से एक्सटेंड करते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पेज में दिखता जाएगा। इसके अलावा आप देखें सबटाइटल हो गए, मोजिक, ये जैसे आपको कहीं से कुछ रिमूव करना है, ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, कि जैसे ये हटाना है ब्लर करने के लिए, ठीक है। वीडियो को ब्लर करना है, कोई फोटो इमेज ब्लर करना है तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखें फ्रेम, ये फ्रेम के टाइप्स हैं, इस किस तरह के आप फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से देखने लग जाएगा, तो ये भी नहीं करना अभी अपने। फिल्टर, ये इसमें फिल्टर है, एक कलर का फिल्टर आपको शो करेगा, जैसे एक पे अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल हटा देंगे, ये सारे पे एक साथ अप्लाई करना है तो ये अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो इंट्रो आउट देख सकते हैं आप, ठीक है। और यदि आप देखेंगे स्पीड, स्पीड का यदि आपको ऐड करना है, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ से एक से कम ये इधर लेके जाएंगे तो ये स्पीड स्लो हो जाएगी, इधर जाएंगे तो स्पीड ये बढ़ जाएगी, बीच में ये वन है, ठीक है। और आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करना है तो यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने से कितने टाइम तक आपको स्पीड को कम करना है या बढ़ाना है। इसके अलावा आप देखेंगे ये कैनवास है, आप इसमें ये एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाना तो बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रोटेट कर सकते हैं, आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहें, स्प्लिट करना है, तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और नई चीज़ें। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ये एडिट का ऑप्शन हो गया, मर्ज, जैसे आपको दो वीडियो एक साथ जोड़ना है तो वहाँ पे मर्ज ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ये दो वीडियो मान लो जोड़ना है तो ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ये वन जो पहले रखना है उसको पहले सेलेक्ट करना है, जो बाद में रखना है उसको बाद में सेलेक्ट करना है, तो ये इस तरह से मर्ज का ऑप्शन हो गया। आप इसको सेव करेंगे तो ये दोनों वीडियो एक साथ आपको दिखाने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इमेजेस को कर सकते हैं, वीडियो कंप्रेशन, इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं वीडियो का साइज को चेंज करते हैं, उसके रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं वीडियो कंप्रेशन से, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा। वीडियो टू GIF, आप मतलब वीडियो का पर्टिकुलर कोई सेगमेंट चूज करके उसको GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ तक आपको एक GIF बनाना है तो ये GIF हो जाएगा। GIF एनिमेशन का टाइप, ये आप देख रहे हो GIF बन गया। इसके अलावा और आप देखेंगे एडिट इमेज, ये एडिट इमेज का आपको बताई दिया, ऑलमोस्ट एडिट इमेज उसी तरह से, जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज ले लूँ, एडिट इमेज में उसी तरह के ऑप्शन होंगे जैसे पहले आपने देखा था, उसका कलर चेंज करना, क्रॉप करना,
वो सारे एडिट इमेज में आते हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, इसको आप ओपन कर देंगे तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये ऊपर दिखा रहा है स्क्रीनशॉट, इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद यदि आप देखेंगे तो इसको मैं स्क्रीनशॉट बंद कर दे रहा हूँ। कैमरा, आप जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ समझा रहे हैं, प्लस आप चाह रहे हैं कि आपका इमेज भी दिखे, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्या सहूलियत है, आप अपनी इमेज को जहाँ पे भी आपको लगाना है स्क्रीन पे, वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, प्लस इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। आप देखो इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आ गया, इसको क्लोज़ करना है तो यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं, और कैमरा को यदि रिवर्स करना है तो यहाँ से आप कैमरा को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देखेंगे आप कैमरा फ्रेम रेट, और फ्रेम रेट इसमें देख सकते हैं, ये ऑप्शन है, मतलब ये कैमरा फ्रेम इस तरह से आप लगा सकते हो, इस तरह से कैमरा फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे इसमें तो GIF रिकॉर्डर, ये तो बता चुके हैं, GIF रिकॉर्डर बेसिकली क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो GIF फाइल को रिकॉर्ड कर देता है एनिमेशन टाइप का। और यदि हम देखें ये GIF रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद GIF रिकॉर्डर को बंद करते हैं। ब्रश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रश, जैसे मैं इसमें मोबाइल में कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ब्रश, ये आपने ब्रश यहाँ पे चालू कर रखा है, यहाँ से ये ब्रश चालू, इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो ये ब्रश यहाँ था बंद हो गया, ये ब्रश चालू हो गया। अब ब्रश से क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है तो यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट कर दिया, जैसे ये समझाना है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इसको रब करना है तो यहाँ से इसको मिटा सकते हैं, मिटाने का है ये रब का, ठीक है, बैक का है, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, मतलब जो आपने ब्रश लिया है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे को रेड चाहिए तो मैं रेड कलर ब्रश यूज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और दूसरा कोई भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश हो गया, ब्रश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं ब्रश से, आप समझा सकते हैं ब्रश से। इसके अलावा आप देखेंगे वाटरमार्क है, वाटरमार्क ये है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी कोई स्लाइड्स वगैरह हैं तो उसमें आप पीछे वाटरमार्क दिखा सकते हैं। थीम, ये बहुत सारी तरह की थीम्स अवेलेबल होती हैं जो कि आप डाउनलोड इसमें कर सकते हैं, अभी बेसिकली ये ऑफिशियल थीम होती है, जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो ये थीम तो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। तो ये है सारी चीज़ें इसमें। So this is it friends, thank you for watching.